देखिए, इस संबंध में शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें जांच करके आख्या दी जाए। तो इस प्रकरण में क्योंकि हमारा एक कमांडेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए हमने प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है, और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में, इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्तुत कर दी जाए। साथ में हाँ, कुछ प्रकरण ऐसे थे जिसमें कि होमगार्ड विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुलिस से संबंधित प्रकरण है। ऐसा चैट में आया है, या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है, जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। जो रिकमेंडेशन के बाद अब जो विभागीय कार्रवाई होगी, क्या उस दरमियान या उसको कंप्लीट होने के बाद निलंबन की कार्रवाई करी जाएगी, या अभी से प्रिलिमिनरी जांच के बाद ही उनको निलंबन का नोटिस वगैरह सर्व किया जाएगा? देखिए, ये शासन का निर्णय होता है, हम केवल संस्तुति करते हैं। तो विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है, तो ये कहा ही जाता है कि फिर किसी को गंभीर आरोपों में जब विभागीय कार्रवाई होती है, तो सस्पेंशन के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। शासन इसमें जो निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी किसके द्वारा शिकायत पत्र दिए जिसके आधार पर कार्रवाई हुई? क्या कोई पुराना मामला भी था जिसके आधार पर यह कार्रवाई की बात हुई है? देखिए, आरोप जो लगाए गए हैं उसमें जितने भी जिन बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं, उन सारे बिंदुवार आख्या प्रस्तुत की गई है, और उसमें जितने भी जो भी प्रकरण आए हैं जहां पर कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसमें जांच की आवश्यकता है, विस्तृत जांच की आवश्यकता है, उसी अनुसार विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। आलोक मौर्य द्वारा जो शिकायत करी गई है, क्या उसमें कोई ऐसे फैक्ट्स या कोई ऐसे मटेरियल भी दिए गए हैं जिनको ग्राउंड बनाया गया है? क्योंकि उन्होंने धमकी की भी बात कही थी, जान से मारने का एक उन्होंने आरोप भी लगाया था, क्या उसको उससे रिलेटेड या कोई चैट्स वगैरह की कॉपी? देखिए, चैट्स की कॉपी किया गया है, और चैट को भी जो जांच अधिकारी है उसने व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखा भी है, तो जो उसी आधार पे ही कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चैट कितना वास्तविक है, कितना नहीं वास्तविक है, इसका आकलन होमगार्ड मुख्यालय या होमगार्ड विभाग के जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो चैट में जो बातें आई हैं, उसका विभागीय जांच या पुलिस की जांच की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। उसी अनुसार हमने संस्तुति की है कि बाकी यदि कोई उसको रिफ्यूट करता है, उसके अगेंस्ट कहता है, तो उसको अपना एविडेंस देना पड़ेगा। तो जो विभागीय कार्रवाई करेगा अफसर, पीठासीन अधिकारी, वो अपने सामने सारी चीजों को देखते हुए फिर निर्णय लेगा, उसी पर फाइनल कार्रवाई होती है। अभी जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कहा जाता है इसको, तो इसके लिए आज के डेट में किसी भी कंक्लूजन पहुंचना ना हम पहुंच सकते हैं, ना किसी को कंक्लूजन पहुंचना चाहिए। तो क्या इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या कोई पुराना प्रकरण भी मनीष दुबे से रिलेटेड, क्योंकि एक और ग्राउंड बनाया गया, कौन सा वो प्रकरण था? देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें बिंदुवार विस्तृत जांच है। अमरोहा का प्रकरण है, उसमें हमारी एक महिला होमगार्ड की शिकायत है, उस पर भी विस्तृत जांच की गई है, वो भी एक विभागीय कार्रवाई का पार्ट बनेगा। क्या इस दरमियान जो जांच हुई है इसमें मनीष दुबे खुद प्रेजेंट हुए थे, उनके बयान आ गए हैं? मनीष दुबे खुद प्रेजेंट होकर बयान दिया उन्होंने। ज्योति मौर्य से भी बयान, इसमें उनसे भी शायद बयान के लिए हमारे कहा गया था, लेकिन उनको लिखित बयान प्रस्तुत किया। तो मतलब आप ये शासन को सौंप दी गई और आपकी रिकमेंडेशन इसमें निलंबन और पुलिस कार्रवाई की है? हमारी रिकमेंडेशन विभागीय कार्रवाई की है, विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में होती है तो उसमें निलंबन होता है, तो निलंबन की भी संस्तुति है, और साथ में जो जांचें होमगार्ड विभाग नहीं कर सकता, जिसका कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन की जहां पर आवश्यकता हो, उसके लिए भी रिकमेंड किया गया है कि उसमें पुलिस से जांच करा ली जाए।